अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो शेक विद आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम, और इसके अंदर हम विम्टो का फ्लेवर देंगे और यहाँ पे रोजा की टॉपिंग करेंगे। तो ये जो बनाएंगे वो कौन बना रहे हैं? मेरा नाम ही पता आपको, राहिल। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये राहिल बनाने जा रहे हैं। काबू में आ गया हूं। हाँ, आज मैं बना रहा हूँ। तो बताए क्या ये है जी? ये है जूसर मशीन। अच्छा, इसमें बनेगा। ये मैंगो है। सही, कितना मैंगो? ये चार मैंगो ले लिए मैंने। कोई भी साइज के चार मैंगो ले लीजिए, कोई भी साइज के शेक वाले, कितने भी रख लें शेक वाले। दूध है विम्टो है जो उसमें डालेगा, और ये रोजा हमने ऊपर से ऐसे डालने के लिए आपको दिखाएंगे होगा, और ये बर्फ ले लिए, और आइसक्रीम है वहाँ पर, वो फ्रीजर में पानी। ठीक है, और शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, चेक कर लेंगे। तो चले बनाते हैं चिल चिल सा मैंगो शेक। ओके, ये हम मैंगो उसमें डाल देंगे, दो हिस्सों में बनाएंगे, हमारा जगह भी छोटा है। शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, जितना भी आप लोगों को मीठा पसंद है। हमें ज्यादा पसंद है, हम ज्यादा डाल लें, आइसक्रीम भी डालेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे बर्फ, शुगर डालेंगे इसमें ताकि चिल्ड हो जाए। दूध ठंडा होता है, सब होता है, लेकिन वो बर्फ आपको पता ना, वो भी डालता है दुकान वाला भी। सब डालते हैं, सब डालते हैं, और हम डाल देंगे इसमें दूध, देखिए वीडियो में मजा भी तो चल रहा है ना। मजा भी जब निकाल लो चलते में। नहीं नहीं, ऐसे मैंने YouTube पे देखा था। अच्छा, ये साइड में जो डेकोरेशन हो रही है ये विम्टो की हो रही है। ठीक है, बहुत ही एक हल्का हल्का सा फ्लेवर सा आ रहा होता है मैंगो शेक में, और बहुत ही टेस्टी। बस चाहिए हमें कि उसके एक टच आए, बस बनके तैयार हो गया है। और इसके ऊपर हमने रोबसा की देखें ये ड्रेसिंग करी है, हल्का हल्का सा सिरप डाल दें, और ये वनीला आइसक्रीम बहुत ही मजे का लगता है, अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। देखो बताएं, बहुत ही प्यारा बनता है ये मैंगो आइसक्रीम शेक। इसमें वनीला आइसक्रीम डालिए, मैंगो आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। कोई भी फ्लेवर नहीं, कोई फ्लेवर नहीं, वनीला या मैंगो, चॉकलेट वॉकलेट डाल सकते हैं। हाँ नहीं, मतलब कुछ ऐसा फ्लेवर जो आपको मैच करे, इन दोनों में से कोई विम्टो का टच है। अभी अगर मैं चाहता इसमें हनी का टच दे सकता था, मगर वो एवोकाडो के साथ मजा आता है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अब तो बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप लोग हमारे इतने अच्छे व्यूअर हैं। हाँ जी, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, और अच्छा सा कमेंट लाजिम दिया करें, और फीडबैक दिया करें, ताकि हम लोग उस पे जरूर इम्प्लीमेंट करें। तो हमें याद रखिएगा, और ये गर्मियों में प्लीज ट्राई कीजिए, और अपने घर वालों को खुश कीजिए। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।